मशहूर अमेरिकी कहानीकार उटा फिलिप्स ने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक बार कहा था कि धरती मर नहीं रही बल्कि धरती को मारा जा रहा है और इसके कातिलों का नाम, पता और चेहरा सबके सामने है। इसके बावजूद सब लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर्स के पिघलने से आपकी जिंदगी कैसे तबाह हो सकती है, इसे समझने के लिए इन आंकड़ों पर आज गौर कीजिए। हिमालयन रीजन में भारी संख्या में ग्लेशियर्स मौजूद हैं और यही वजह है कि इस क्षेत्र को दुनिया का थर्ड पोल भी कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के आंकड़ों के मुताबिक हिमालय में 9575 ग्लेशियर्स हैं। सियाचिन ग्लेशियर पूरी दुनिया के पोलर और सब पोलर रीजन्स में दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर हिमालय में मौजूद ग्लेशियर्स पिघले तो भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी। तेजी से ग्लेशियर्स पिघलने की स्थिति में नदियों में बाढ़ आएगी और उन नदियों के किनारे बसे शहर जलमग्न हो जाएंगे। अगर ग्लेशियर्स के बीच बनी झीलें ओवरफ्लो करती हैं और पानी के दबाव से फट जाती हैं तो उनसे निकलने वाला पानी हजारों क्यूबिक मीटर पर सेकंड की रफ्तार से खतरनाक बाढ़ के रूप में बहेगा, जिससे भूस्खलन के साथ साथ डैम्स को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान एशिया को होगा, क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा आबादी है। ग्लेशियर पिघलने के बाद लंबे समय में नदियों के सूखने का खतरा भी होता है। ऐसा हुआ तो देश के 10 करोड़ लोग पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि इन लोगों की प्यास बर्फ के पिघलने से बनने वाली नदियों से ही बुझती है। पूरी दुनिया में करीब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पीने के पानी और खेती के लिए ग्लेशियर से निकलने वाले पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने के पीछे की एक बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग भी है। आपको बता दें कि पिछले 100 वर्षों में धरती का तापमान करीब 0.85 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। सरल शब्दों में कहें तो 1870 की औद्योगिक क्रांति के बाद से अब तक धरती का तापमान करीब 1 डिग्री बढ़ा है। अब तक के 14 सबसे गर्म वर्षों में से 13 वर्ष 21वीं सदी के दौरान यानी सन 2000 के बाद सामने आए हैं। यह अपने आप में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा संकेत है। आप इसे धरती का बुखार भी कह सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसों को जिम्मेदार माना जाता है और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अहम है। ये गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट को मजबूत करती हैं। यहाँ आपको बता दें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वो प्रक्रिया है जिसके तहत धरती का वातावरण सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा के एक हिस्से को सोख लेता है और इससे तापमान में इजाफा होता है। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए ईंधन के तौर पर कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस के इस्तेमाल को जिम्मेदार माना जाता है। ये सभी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले जंगलों की कटाई की वजह से भी ये समस्या बढ़ी है। धरती के पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस वक्त इतनी ज्यादा है जितनी पिछले 8 लाख वर्षों के दौरान कभी नहीं रही। गर्म मौसम, प्राकृतिक आपदाओं और समुद्रों के बढ़ते जल स्तर को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जाता है और दुख की बात यह है कि दुनिया का कोई भी इलाका अब इससे बचा हुआ नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग पर बड़ी बड़ी बातें और परिभाषाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन धरती का तापमान बढ़ने का सीधा सा मतलब है आपके और हमारे जीवन पर बुरा असर पड़ना। धरती का तापमान बढ़ता है तो बेमौसम बरसात और तमाम ऋतुओं पर इसका असर होता है, यानी मौसम का चक्र बदल जाता है। गर्मी जल्दी आ जाती है, सर्दी देर से आती है और बारिश कम होने लगती है और बेमौसम बारिश भी शुरू हो जाती है। इसीलिए आज हम ये खबर आप तक लेकर आए हैं ताकि आप ये समझने की भूल ना करें कि ये जो आग लगी है ये 3 राज्यों के जंगलों में लगी है और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, और हो सकता है ये सोचकर आप अपने अपने घरों में निश्चिंत होकर बैठे रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। हम आपको आज जो बताना चाहते हैं वो ये है कि इस आग का आप पर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है।